गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल महानगर का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद टेकरीवाल के नेतृत्व में सोमवार गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर उन्हें गोरखपुर में कराए जा रहे विकास के लिए एवं मंडी शुल्क को 2% से घटाकर 1% करने पर धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान महानगर के कुछ समस्याओं की तरफ आकृष्ट करते हुए शीघ्र उन समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से जाम की समस्याएं, कुछ क्षेत्रों की सड़कों को ठीक कराने एवं गोलघर के दुकानों के सामने नालियों की सफाई कराने, दुकानों के आगे पानी लगने, सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने एवं गोलघर को नो वेंडिंग जोन कराकर वहां पर लगा रहे ठेले व खुमचे वालों को कोई निश्चित स्थान आवंटित करावे जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इन सब की मांग के साथ साथ शीघ्र मेट्रो चलाने के संबंध में बात कही गई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए अनेक परियोजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि अभी रामगढ़ताल के नौका विहार में बोटिंग व कश्मीर की तर्ज पर शिकारा की व्यवस्था की जा रही है एवं वहां पर होटल एवं रेस्टोरेंट की व्यवस्था के साथ साथ एक विशाल वाटर पार्क की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे गोरखपुर के निवासी छुट्टी के दिनों में नौका विहार, बोट व शिकारा का आनंद भी उठा सकेंगे। गोरखपुर में मेट्रो कार्य हेतु केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है, जो अभी अंतिम दौर में है। उसके पश्चात मेट्रो पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा एवं अगले माह उन्होंने चिड़ियाघर के शुरू करने की भी बात कही। इन सभी बातों से अवगत होने के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए विकास कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मंत्री एवं महानगर अध्यक्ष अनिल टेबड़ीवाल एवं वरिष्ठ महामंत्री राजकिशोर गुप्ता, गोलघर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राम मोहन अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष जहरुल्लाह खान सम्मिलित थे।